खबर है आगरा से, जहां आगरा में देवोत्थान के दिन जीआईसी मैदान में हुए सामूहिक विवाह समारोह में हुए बाल विवाह पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित ने डीएम को पत्र जारी कर कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसलिए बाल विवाह रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि विगत 8 नवंबर को जीआईसी मैदान में विश्व सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें कुछ नाबालिगों का विवाह भी कराया गया था। चाइल्ड लाइन और महफूज सुरक्षित बचपन की संयुक्त टीम ने दस्तावेजों की पड़ताल में 4 लड़कियां 18 वर्ष से कम और 2 युवकों की उम्र 21 वर्ष से कम पाई थी। 2 लड़कियों की उम्र संदिग्ध पाई गई, जिसकी उम्र के दस्तावेज नहीं थे। एक में उम्र के लिए नोटरी और दूसरे में वर्ष 2015 का राशन कार्ड लगाया गया था। उम्र के लिए केवल आधार कार्ड, राशन कार्ड और नोटरी थे, जबकि इनमें से किसी भी दस्तावेज को उम्र की पहचान के लिए मान्यता नहीं दी गई है। इस मामले में एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है। आगरा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है कि राज्य महिला आयोग के जो माननीय सदस्य हैं निर्मला दीक्षित द्वारा जो है वो कराया गया है। जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ है उसमें कुछ नाबालिग बच्चों की शादी कराई गई, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय को जो है जांच कर और टास्क फोर्स जो है गठित करने के लिए निर्देश किए गए। और जो निर्देश डीएम साहब की तरफ से आए हैं उनके उसके द्वारा जो है कार्रवाई इसमें करी जाएगी। बाल आयोग की तरफ से भी सर लेटर आया है, पॉक्सो एक्ट और जो आयोग बाल आयोग के संज्ञानित नहीं, महिला आयोग का लेटर जो है संज्ञानित है। बाल आयोग की तरफ से भी कोई जो भी लेटर आया होगा तो जो उनके डायरेक्शन हो उसी के डायरेक्शन के हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी। इस तरह के आयोजन की जिला प्रशासन से कहीं अनुमति ली जाती है तो क्या आपकी ओर से भी कोई नया डायरेक्शन या गाइडलाइन तैयार की जाती है? नहीं, अनुमति आयोजन कराने जाने के संबंध में होती है और उसमें जो विवाहित जोड़े हैं इनकी आयु के संबंध में नहीं, लेकिन ये नया क्लाज इसमें जो है अनुमति में मेरी तरफ से जोड़ा जा रहा है कि जो है आयोजक जिम्मेदार होंगे अगर इस तरीके की पुनरावृत्ति होती है जहाँ पर नाबालिग बच्चों की जो है शादी कराने का प्रयास किया जाता है लोगों।